What's up, what's good, welcome और welcome back to my channel and welcome to a vlog. आज हम दोनों लोग साथ में डे स्पेंड करने वाले हैं. कर रहा था तो मेरा मन था करने का. पिछला ना मार्च ऐसा निकला ना काम वाइज, बिकॉज क्लोजिंग थी तो ऑफिस का प्रेशर ये वो हो वाला, तो मैं कर नहीं पाई. सो आज फाइनली आई वॉज लाइक चल यार करते हैं, लाइक इट्स बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग. तो आई एम डूइंग दैट. ब्रेकफास्ट ब्रुकफास्ट हो गया, नहा धो के हम तैयार हैं, बट लग नहीं रहे बिकॉज पूरी रात नींद नहीं पड़ी है. मेरे को शोल्डर में इतना पेन निकला अचानक से और मैं पूरी रात ही सोई, मतलब लिटरली मैंने रात को 3 बार मूव स्प्रे किया. उसके बाद एक पेन किलर मेफ्टाल वाली वो खाई, देन दूसरी मैंने सुबह 5:30 बजे मम्मा से लेके खाई है, और उसके बाद 5:30-6 बजे जाके जब वो थोड़ी असर करना शुरू हुई है ना 6 बजे, तब जाके सोई और 10 बजे उठ गई थी. मतलब टेक्निकली मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए आई एम लाइक बट आई एम लाइक यू गो गर्ल, करना है. सो चलो अब किचन में चलते हैं और बीन्स बनाते हैं. सब्जी तो हो गई है हमारी तैयार, हम आके बैठ गए हैं कमरे में. मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पार्सल आए थे. एक तो आया है बाय विज, उनका प्रॉपर हॉल शूट करना है मैंने, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उनको नहीं, उनके प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वेनसडे, हाँ वेनसडे को आ जाएगा. आई वॉज जस्ट कैलकुलेटिंग बिकॉज इससे पहले प्री फिल्म करना है मैंने. आ जाओ दीदी, कोई बात नहीं, आ जाओ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. दीदी आए थे, दीदी ने सफाई करनी है और दीदी अंदर नहीं घुस रहे थे, मैंने लाचा जो व्लॉग ही चल रहा चलेगा. तो वो वाला मैं ना प्रॉपर हॉल करूँगी, तो वो वेनसडे को आ जाएगा. हाँ वेनसडे को आ जाएगा क्योंकि मैं आज ही शूट करूँगी वो, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड बाकी प्रोडक्ट्स मैं दिखा देती हूँ. ये आया है मुझे हैप्पी जार्स की तरफ से, दिस इज देयर आफ्टर्स बाय हैप्पी जार्स. सो ये उन्होंने मुझे भेजा है और इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं. आई विल ट्राई एंड पुट इट ऑन माई इंस्टाग्राम. सो ये है इनका वेरी बेरी फ्लेवर. ये डेजर्ट बाइट है, मतलब एक बाइट ही है इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा नहीं मतलब, बट आई डोंट थिंक ये पूरी बाइट खाई जाएगी, मेरे जैसे बंदे से तो नहीं खाई जाएगी. ये है इसकी बाइट का साइज. तो ये बना है कैश्यूज, डेट्स, आलमंड्स एंड बेरीज से. दिस हैज नो एडेड शुगर्स, नो प्रिजर्वेटिव एंड इट इज वीगन, दैट इज ग्रेट. देन द अदर फ्लेवर इज ऑरेंज बर्स्ट. ऑरेंज की आई एम नॉट अ बिग फैन, तो आई विल ट्राई, आई विल सी हाउ इट इज. देन इट वुड बी माई फेवरेट फ्लेवर आई थिंक बिकॉज इट इज कॉफी शॉर्ट, इट हैज कॉफी इन इट. इसके अलावा ये दो फ्लेवर बचे ना. हाँ देन वी हैव नटी कैश्यू एंड देन वी हैव डार्क चॉकलेट, आई थिंक दिस इज ऑल. हाँ और बाकी इसी फ्लेवर्स की 4 बाइट्स हैं हर एक फ्लेवर. नाउ आई फर्स्टली फिल्म बिकॉज क्लीनिंग वाला काम ना लास्ट में करेंगे, जब वीडियोज बनाने के बाद भी काफी गंद पड़ जाता है, तो वो वाला और कमरे का क्लीनिंग सब एक साथ होगी. अलमारी सबसे एंड में होगी. सबसे पहले आई पुट दी स्टिकॉन्स, दिखने रहे शायद स्टिकॉन्स, क्योंकि मेरे नेल्स की आप हालत देख सकते हो बहुत वीक हैं, तो मैं एक्सटेंशंस वगैरह करवाना नहीं चाहती थी. तो आई क्विकली पुट दी स्टिकॉन्स एंड आई सी यू गाइस. नेल्स आर डन, मैंने ये वाले प्रेस ऑन लगाए हैं, मुझे इतने खास पसंद नहीं आए बट काम चलाओ ठीक है. मेकअप को करने मुझे लगे हैं 10 मिनट एंड आई लव हाउ इट इज लुकिंग ऑन मी राइट नाउ. मैंने झुमके पहन लिए हैं, लखनवी कुर्ती पहन ली है, दिस इज द वाइब आई एम गोइंग फॉर द वीडियो. 2 reels and 1 YouTube video डाउन. मेरे ना कानों में मुझे आदत नहीं है ना कुछ भी पहनने की, थोड़ी देर भी इयरिंग्स पहनने से बैंड बज जाती है. अब आई थिंकिंग मैं फटाफट से लंच कर लूँ, मम्मा पापा तो नीचे हैं बट मैं लंच कर लेती हूँ फटाफट से एंड देन आई विल कंटिन्यू फिल्मिंग बिकॉज मुझे दूसरी वीडियो भी अभी फिल्म करनी है एंड 2 reels भी फिल्म करनी है.
तो मेरे ना पूरी दोपहर जाएगी उसमें, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट माई दोपहर देन माई शाम, बिकॉज शाम को फिर आराम से चिल करने का मौका मिलेगा और थोड़ा बहुत यूट्यूब देखने का मौका मिलेगा। चलो लंच डालते हैं, किचन में चलते हैं, फिर पहले चेंज करते हैं, ये कुर्ता चेंज करके नाइट सूट की टी शर्ट लगाते हैं, खाना खाते हैं, फिर लिपस्टिक चेंज करते हैं एंड देन फिल्म करते हैं। यहाँ से हमारा मेकअप, कपड़े, सामान, उसके वहाँ पे फ़ोटो खींची हुई थी, ये सारा सामान, ये मेरे कमरे की भी हालत है जो कि मुझे अभी फटाफट से साफ करना है। तो अब आप लोगों को रखते हैं टाइम लैप्स पे। मेकअप सारा क्लीन हो गया, मुंह शुद्ध होके मैं आ गई हूँ, रूम इज़ ऑल क्लीन, जस्ट वो ट्राईपॉड पड़ा है एंड यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। वहाँ पे मैंने पेन रखे हैं, पावर गमीज़ और ब्रशेस रखे हैं, ब्रशेस क्योंकि अभी धोने हैं, पावर गमीज़ का मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना था इसलिए, एंड पेन बिकॉज मुझे वो काम में लगेंगे, मुझे चाहिए। नाउ आई विल क्विकली अप्लाई अ फेस मास्क बिकॉज मैं ना तीन बार विद इन 3 to 4 hours जो है मेकअप अप्लाई कर लिया, मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे चींटी ने काटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सो फटाफट से मास्क अप्लाई करते हैं, और मास्क लगा रहे हैं हम ये वाला, मेरे पास पड़ा हुआ था नायका क्लेट कूल एंटी एक्ने मास्क, तो फटाफट से ये अप्लाई करते हैं और 15 minutes के लिए रखते हैं। फेस मास्क इज ऑन बट बहुत जल रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी तक कभी ये जला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जल रहा है। सो आई विल कीप इट जस्ट फॉर 15 minutes एंड तब तक कुछ यूट्यूब वगैरह पे देख लेती हूँ। मुंह धो के मैं आ गई हूँ, आपको दिख रहा होगा फेस काफ़ी बेटर लगता है, सिर्फ कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए ना मेकअप या किसी चीज़ से, तो एंड में ना अच्छा सा फेस मास्क लगा लो, काफ़ी अच्छा फेस हो जाता है। एंड उसके बाद आजकल मैं एक रूटीन रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ, दैट इज़ यूजिंग दिस टोनर फ्रॉम न्यूड, इट इज़ द बीट रूट फेस मिस्ट स्प्रे विद विच मॉइस्चराइजर स्किन विद ग्लो, ये डल और ड्राई स्किन के लिए है, और इसको मैं टॉप करती हूँ देयर गोट मिल्क प्रीमियम एक्ने क्लियर क्रीम से। आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने और एक्ने मार्क्स हो रखे हैं, सो दैट रियली इरिटेट्स माई स्किन, सो दीज बेबीज आर रियली हेल्पफुल फॉर मी, रियली रियली हेल्पफुल। अब क्या है, ये मैं ऑलमोस्ट 20-25 days से लगा रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छा चेंज अपनी स्किन में फील कर सकती हूँ। एंड दिस पोर्शन ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यूड, थैंक यू सो मच न्यूड फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड सेंडिंग दीज ब्यूटीज टू मी। नाउ आई विल क्विकली अप्लाई दीज, जस्ट हल्का सा ना इसको थोड़ा सा शेक करके, शेकी वेकी एंड स्प्रे, इतनी अच्छी खुशबू भी है ना इसकी, मतलब जैसे गर्मी के दिन है आप इसे अपने बैग में रख सकते हो, और जब भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपका फेस ड्राई हो रहा है या कुछ भी, हल्का सा स्प्रे कर दो, ये हमेशा ऑलमोस्ट मेरे बैग में भी रहता है, मतलब एक बॉटल मेरे बैग में रहती है और एक जो है मैं अपने डेली यूज़ के लिए मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में से एज अ टोनर यूज़ करती हूँ। And I'll wait for 1 or 2 minutes और उसके बाद I'll use that cream। ये है क्रीम की बॉटल, आपको मैं टेक्स्चर दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, यू कैन क्लियरली सी एंड आई ड्रॉप्ड इट बनाओ में, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर दिया मैंने, तो अभी जो हाथ पे निकली है ना वो वही मैं लगाऊंगी ऑन माय स्किन। जेल बेस्ड है तो 2 मिनट में आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाएगा, सी मैंने लगा लिया, जब आप इसे लगाते हो ना तो हल्की सी वो जलन वाली सेंसेशन वो होती है,
मेरी मम्मी बोलती है वो अच्छी होती है, मम्मी बोलती है जब भी कोई प्रोडक्ट आपके फेस पे स्पेशली आपके एक्ने प्रोन स्किन पे काम करता है ना तो वो जलता है, तो अगर वो जल रहा है और थोड़ी देर बाद काम हो जाता है तो समझ लेना वो प्रोडक्ट आपके फेस पे काम कर रहा है। नाउ आई विल रिमूव माय लेंसेज। अभी तक मैं लेंसेज लगा के इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं स्किन केयर फिर अंधों की तरह करती हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए अभी तक लेंसेज लगा के रखे थे। अब मैं लेंसेज उतारती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और फिर किचन में चलते हैं हम लोग अपने इवनिंग स्नैक्स की तैयारी करने। मुंह शू धो के चश्मा चश्मा लगा के बैक टू आर अवतार। अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय मम्मी पापा के लिए, अपने लिए बनाते हैं कोल्ड कॉफी एंड भेल एंड एंजॉय दैट। पीके हम हो गए थे वेले, गप्पे मारे थे काफी देर तक मम्मी में बड़ी मम्मी, फिर अब बड़ी मम्मी नीचे उतरी, मैं किचन में आई हूँ और मैं निकालने लगी हूँ मलाई से घी क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं किया, मम्मा कर रहे थे तो मैंने चलो आज मैं निकाल के देखती हूँ कैसे करते हैं, सो आई विल डू दैट नाउ। भैया घी तो हमारे बस का था नहीं, हम कर रहे हैं अपने बस का काम, दैट इज फुलके बनाना और आप लोगों को बिठाएंगे हम यहाँ पे, यू गाइस सिट हियर एंड आई विल मेक फुलकास राइट हियर। मम्मा लेके आ गई है अपना घी, मम्मी मेरे से घी ना निकला बेकार, बेकार की बात नहीं है, मैं पहली बार निकाल रही थी उसमें बहुत मेहनत लगती है और मुझे कल रात को ही शोल्डर में इतना पेन था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बेकार बच्चे, बेकार बच्चा नहीं सिर्फ मोबाइल वाले बच्चे, बस इनको मोबाइल दे दो ना थकना ना करना। ओ मम्मी आप आपके सामने मैं कितना काम करती हूँ, मगर मेरा काम नहीं ना हुआ। हाय रब्बा आपकी आंटी जी ना किसी दिन मेरी ऐसी बेइज्जती कराएंगी, ऐसे तो वीडियोस में बड़ी शरीफ बनती है, जिस दिन मम्मा असली मुंह खोल के बोलना शुरू करती ना मेरी इज्जत इतनी सी रहेगी, इतनी सी। आपने फुल्का खाना, ये देखो मामा का खाना भी गिन गिन के बनाई थी। अरे आपके लिए चावल था तो मैंने इसलिए पूछा फुल्का बनाना है। अब्बा देखा ये तो ओरिजिनलिटी है। हमारे जो है फुलके बन गए हैं, उसके बाद बर्तन धुल गए हैं, सब्जी सुबह की बनी हुई है तो अभी ऑलमोस्ट काम डन है, तो मैं मम्मा के साथ बैठ के जो भी वो शोज वगैरह आते हैं ना आज संडे को तो वो देखूंगी थोड़ी देर, एंड देन प्रोबेबली आई विल वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजोन फॉर हाफ एन आवर और सो और मे बी यूट्यूब एंड देन आई विल गो टू स्लीप एंड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर बिकॉज इसके बाद अब कुछ भी नहीं करना, बस टीवी देखना है, यूट्यूब देखना और सो जाना है मैंने खाना खा के। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस व्लॉग। मगर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें और मुझे कमेंट करके बताना आपको और व्लॉग्स देखने हैं मेरे चैनल पे, आई डेफिनेटली डू इट बिकॉज आई लव डूइंग व्लॉग्स, सो आई रियली वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन ऑन इट। अगर आपको पसंद है तो चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।